राम रहीम पर आए इस बड़े फैसले के बाद अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राम रहीम के बाद डेरा सच्चा सौदा का अगला प्रमुख कौन होगा, वारिस कौन? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राम रहीम के वारिसों में दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं। पहला है 35 साल की गुरु ब्रह्मचारी विपासना का, जिन्हें डेरा के सिस्टम में नंबर दो माना जाता है। बाबा गुरमीत के बाद डेरा में अगर लोग किसी से निर्देश लेते हैं तो वो विपासना से लेते हैं। हिंसा के बाद भी डेरा की ओर से विपासना ने सफाई पेश की। शांत बैठी संगत के अंदर गुंडा तत्व ने घुसकर जो ये घटना करवाई है, जिससे मीडिया की संपत्ति, आमजन की संपत्ति, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है, उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। विपासना की डेरा की सत्ता के करीब पहुंचने की कहानी भी रहस्यमयी है। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन यहीं डेरा मैनेजमेंट के गर्ल्स कॉलेज से किया है, फिर अचानक देखते ही देखते वो डेरा की नंबर दो बन गई। दूसरी दावेदार है हनी प्रीत, जिसे राम रहीम ने गोद ले रखा है। 7 साल पहले 28 साल की हनी प्रीत डेरा प्रमुख की राजदार बन गई थी। हनी प्रीत को गुरमीत के सबसे करीबी लोगों में माना जाता है। बाबा की जो फिल्में आती हैं, उनके निर्माण में हनीप्रीत का प्रमुख रोल रहता है। इस तस्वीर से आप हनीप्रीत की बाबा से करीबी का अंदाजा लगा सकते हैं। जब कोर्ट ने गुरमीत को सजा सुनाई तब हनीप्रीत ही उनके साथ थी। हेलीकॉप्टर में जब बाबा को जेल ले जाया जा रहा था वो बाबा के साथ बैठी हैं। माना जा रहा है कि विपासना की राह में असली कांटा हनीप्रीत ही है। कोई बड़ी बात नहीं कि राम रहीम जेल जाने के बाद हनीप्रीत को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें। राम रहीम का सिरसा का कैंपस 800 एकड़ में फैला है। देश भर में 50 से ज्यादा आश्रम हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी संपत्तियां हैं। बाबा राम रहीम की दो बेटियां हैं, चरणप्रीत, अमरप्रीत और एक बेटा भी है। ये तो साफ है कि ये लोग डेरा प्रमुख की गद्दी पर दावा नहीं ठोक सकते, मगर जो संपत्ति गुरमीत से जुड़ी रही होगी उस पर तो ये दावा ठोक सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।